आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा शहर में रात के अंधेरे में राहगीरों को रोक कर मारपीट व लूटपाट करने वाले कार सवार दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी रात में कार व डंपर वाहनों को रोककर उनके साथ मारपीट व लूटपाट करने का प्रयास करते थे। देर रात शहर के भीतर होने वाली इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कार सवार दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह कार्रवाई शहर के सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने की है। थाना प्रभारी ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एक दिन पूर्व काले चौराहे में ब्रेजा कार में सवार बदमाशों ने एक बिलेरो सवार रमेश विश्वकर्मा सहित ट्रक चालक के साथ मारपीट कर वाहनों में तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा आरोपियों ने अन्य वाहन चालकों से भी लूटपाट का प्रयास किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद रजनीश पांडे सहित उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक ढाबा संचालक है तो दूसरा इंदौर में पदस्थ एसएफ का जवान है। आज वर्षों दिनांक 13/12/2019 की रात्रि 12 बजे के लगभग की घटना बताई जा रही है। ये सुनील ढाबा के संचालक हैं, उनके बच्चे लोग, उनके ड्राइवर्स ये काले चौराहे के पास से निकल रहे थे अपनी बिलेनो कार से। तभी एक ब्रेजा कार में बैठे हुए उन्होंने उनकी गाड़ी रोकी, लूटपाट करने का प्रयास किया गया है और उनके साथ मारपीट की गई है। गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए हैं और उनका फरियादी का ये कहना है कि उनकी चैन और पर्स भी छुड़ा लिया गया है, लेकिन अभी जांच विवेचना में ऐसी कोई बात उनके पास से बरामद नहीं हुई है आरोपियों से। और इसके बाद यही आरोपीगण डकहा में एक डंपर चालक के साथ भी मारपीट करते हैं और उनका उसका भी ग्लास वगैरह तोड़ देते हैं। ये काफ़ी देर रात रीवा शहर में कई जगह उद्दंडता की है और इस तरह से मारपीट करने का लूट करने का प्रयास किए हैं। पुलिस तत्पर जैसी सूचना मिलती है इनकी घेराबंदी करती है और घेराबंदी करके गाड़ी को ट्रेस आउट करती है। इनकी जो ब्रेजा कार है उसको पकड़ती है। उसके बाद जिन आरोपियों को दो आरोपी रजनीश पांडे और एक द्विवेदी है उसको पकड़ा गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और माननीय न्यायालय में आज पेश किया जाएगा।